अगौणे सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के अहम सियासी अगवाणन की मुलाकात। बलूचिस्तान अहम सियासी अगवाण पीपल्स पार्टी में शामिल। अगौणो वफाकी वजीर फतेह मोहम्मद हुसैनी, अगौणो सूबाई वजीर गजैन मरी, ताहिर महमूद, नवाबजादा जमाल रईसाणी, मीर फरीद रईसाणी, मीर अब्दुल्ला रहेजा और मीर अलाबख्श रिंद भी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी है तो बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी जो तारीखी लागापो है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के हकन लाए हकीकी जदोजहद कई। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मजबूत सियासी धुर है। असा बलूचिस्तान के मानू के हकन से सौदेबाजी न कदासी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आला सतह वफद सुधो स्विट्ज़रलैंड रवानो। जेनेवा में रिथियल बोड मुतासर की बहाली बाबत डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे पाकिस्तान जो मौकफ पेश कंदो। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन के मौके ते वज़ीर आज़म जो आलमी अगवाणन से मुलाकातों भी रिथियल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में बोड मुतासर जो केस दुनिया आडो पेश करण जो मौको मिलंद। तरक्की याफ्ता दोस्त मुल्क अद बोन मुतासर की बहाली और तबाही का नए सिर तामीर लाए जामा फ्रेमवर्क रखासी। दुनिया की तारीख में इंसानियत अहम मोड़ से है। बोड सबब आयल तबाही का लखे पाकिस्तानी हमदर्दी और यकजहती के गोला में आन। हाणोका कदम ईंदर नसल के बेहतर मुस्तबिल अहम आन। बुनियादी ढांचे की बहाली जिंदगी और मैशियत के नए सिर तामीर लाए फंडिंग जो फर्क पूरो करण अहमियत रखे थो। आईएमएफ पारा पाकिस्तान के बोड मुतासर से हमदर्दी जो इजहार। मुतासर की बहाली लाए मदद जारी रखण जो अजम। आईएमएफ के तर्जुमान है तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आईएमएफ के एमडी जो तामीरी गालियों थी। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके से आईएमएफ इख्तियार नाणे वाले वजीर इसाकदार विच में साइडलाइन से मुलाकात जो भी इम्कान है। मुलाकात दौरान नुमाया मसलन के अगते वधाने ते गालियों थी। आम वाइप जो शेन आसमान से गालू पा कर गरीब मानू अचे शहर में रुगो रेट पुछा कर हलो था वन एतो नो तो घर जो राशन मुकम्मल वी मे बरसात का खराब सूरत हाल है जो बेचारा मानू अटे लप के लिए भी परेशान हो। हुकूमती दावाओं बावजूद सिंध में अटे जो बहरान संगीन थी वयो। कराची समेत सिंध के अक्सर शहर में अटो 150 से 160 रुपया फी किलो विकामण लगो। गरीब मानू बिन वेलन की मानी लाए परेशान। हुकूमत जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनल। दुकानदारन अटे चक्की मालकन पैंजा मनपसंद अघ मुकर्रर कर छ्या। दिहाड़ी से कम कंदड़ बोरियत भुखू काटण से मजबूर। सस्ते अटे के स्टॉल से मानू की रश लगल। हैदराबाद दादू सांगड़ हाला सीता रोड कोट गुलाम मोहम्मद बियन शहर में अटो महंगो अघ से विक्रो करण खिलाफ एहतजाज। फोरी तौर सस्तो अटो फराहम करण की घुर। सिंध हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने के लिए क्योंकि आटा महंगा हो गया है हमने एक अपनी सब्सिडी स्कीम मुतारिफ कराई है जिसके तहत 65 रुपए किलो यानी कि 650 रुपए का 10 किलो का थैला जो है वो सिंध हुकूमत मुख्तलिफ सिंध के अजला के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कल भी वाकया हुआ था वो सस्ता आटा चूंकि प्रोवाइड किया जा रहा था उसमें मैं समझता हूँ जो हमारी इंतजामिया है उसको इस तरीके से मैनेज करने की जरूरत है कि जो भगदड़ मचती है भगदड़ ना मची जाए और शहरियों को भी थोड़ा सा उसके अंदर मैं समझता हूँ एतदाल लाने की जरूरत है कि वो भी कभी कभार जल्दी करने की कोशिश में कभी कभार इस तरह की भगदड़ मच जाती है। सिर्फ जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करती है ये इलेक्शन 15 तारीख का कराओ। आप कह रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्रोटेस्ट करने का सोच रही है कि 15 तारीख को ना करें तब भी कुछ लोग खुश होंगे नहीं करेंगे तब भी कुछ लोग खुश होंगे।
सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब सिंध में अटो महंगो होने जो एतराब कंदे है तो मार्केट में अटो 120 का 125 रुपया फी किलो विकामी रो है पर हुकूमत पारा लगायल सस्ते अटे के स्टॉलन से 65 रुपया फी किलो अटो मिली रो है। कराची में सहाफिन से गलते मुर्तजा वहाब तो गुजरल ढी मीरपुर खास में सस्ते अटे के स्टॉल से बदनज़मी सबब वाक्यो पेश आयो इंतजामिया अड़े किस्म की विर्च करे जो बदनज़मी पैदा न थे आवाम सस्तो अटो वठण लाए तकड़ न करे। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान नई सियासी पार्टी में शमूलियत वारी खबरों की तरदीद करे छी। जारी कल बयान में अलीम खान चयो त चौधरी सरवर ए जहांगीर तरीन से सुठा लागापा पर सियासत में वापसी जो इरादो ना। फिलहाल समूर ध्यान फलाही कमन ते आहे न कें सियासी पार्टी जो हिस्सो आया नई कें पार्टी में शामिल थींदुस। तरीन ग्रुप के अगवान ए वजीर आजम के खास मुआविन ओम चौधरी भी नई सियासी पार्टी ठाहण की तरदीद कर छी। सिंध एक्शन कमेटी के सदे से मुख्तलिफ शहर में 24 कलाक लाए भुख हड़ताली कैंप कायम। कराची में एसयूपी अगवान सैयद जैन शाह की अगवाणी में प्रेस क्लब आडो लगल भुख हड़ताल कई वही। अयास लतीफ अलू जी अगवाणी में हैदराबाद सखर में रियाज चांडो की अगवाणी में भुख हड़ताली कैंप लगाई वही। मीरपुर खास लाड़काणो ए नवाबशाह में भी नवाब सूबा ठाहण सिंध जा मादनी वसीला वफाक हवाले करण खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी के सदे से भुख हड़ताल कई वही। सैयद जैन शाह अयास लतीफ अली जो चयो त सिंध खिलाफ का भी साजिश कामयाब थियण न डींदासीं। हाणे तरमीम ऐं सूबाई खुदमुख्तियारी जी दावेदार पार्टी सिंध जा वसीला वफाक के ॾेई सूबाई खुदमुख्तियारी खत्म करे छॾी आहे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में रोड हादसों के नतीजे में बिन औरतों समेत 4 जणा फोत 9 जणा जख्मी। शहदादपुर भरसा सांगर रोड ते गाड़ी ए मोटरसाइकिल में टक्कर पीरसन संदस डोटो फोत। हादसे में सचवरियन जो उस्मान लगारी ए बाबर लगारी मौके ते फोत थी वया। हाला भरसा भाणोट रोड ते ट्रैक्टर ट्राली ए मोटरसाइकिल में टक्कर मोटरसाइकिल सवार 2 औरतू फोत ए 1 जणो जख्मी। मंजूराबाद भरसा इंडस हाईवे ते बिन कारों में आमो सामो टक्कर बिन औरतों समेत 7 जणा जख्मी। शिकारपुर में हथियारबंदन की फायरिंग में जख्मी थियल 1 जणो फोत। मारजी वेलन जो अंग वधी बथी वयो। गोल मार्केट में हथियारबंदन की फायरिंग में जख्मी थियल नसरुल्लाह जाफरी सखर के अस्पताल में दम दई छो। पुलिस मूजिब फायरिंग में मोहसिन पहार मारजी वयो हो। शहदादपुर के अलाहाबाद पाड़े में एक जणो छुरा हणी बेदर्दी से कतल। कपड़न का आजो हालत में लाश हथ मकतूल की सुणप गुलाम अब्बास मस्तोई तौर कई वही। पुलिस मूजिब अब्बास मस्तोई जो लाश 2 डी पुरानो है खेस छुरा हणी कतल वो। मेहड़ में टायरन की दुकान ता अधड़ो शख्स जो फाहो खाधल लाश मिलो। अनवर चांडियो जो लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसन मूजिब अनवर चांडियो घरू तकरार ता आपघात कयो आहे। मिठी में थर जी प्रेस की प्रीपेड कैटेगरी साहिबजादा सुल्तान खटे वरती। साहिबजादा सुल्तान 107 किलोमीटर जो ट्रेक 1 कलाक 8 मिंटन 35 सेकेंड्स में तय करे रेस खटे वरती। शिराज कुरैशी बे सुल्तान बहादुर अजीज 3 पोजीशन हासिल कई।